हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लंका प्रीमियर लीग 2020 के मुकाबले की, जो खेला जाएगा जाफना स्टैलियंस वर्सेस दांबुला वाइकिंग के बीच में हम्मन तोता के महिंदा राजपक्सा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 7 दिसंबर को रात के 8 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहां आपको लंका प्रीमियर लीग के सारे मुकाबलों की से टीम मिलती है, उसके अलावा आपको सारे इंटरनेशनल मुकाबलों की टीम मिलती है और बांग्लादेश T20 की टीम मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और क्रिकेट के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप मेरे को इंस्टा फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां वो क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हैंडल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, आप जाके मेरे को दोनों जगह फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो एक ट्रैक काफी अच्छा है बैटिंग के लिए, बाउंड्रीज भी काफी छोटी हैं, पर धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है ये, पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है। उसके अलावा जो तेज गेंदबाज धीमी गति से गेंद डालते हैं उनको भी अच्छा हेल्प मिल रहा है इस मैदान के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ जाफना स्टैलियंस की टीम के बारे में, जिनको पिछले मुकाबले के अंदर पहली हार मिली है इस लीग की। और टीम ने उस मुकाबले में तीनों मेन बॉलर्स को रेस्ट दे दिया था, इस वजह से टीम हार गया। उस्मान खान, शेन वारी, डुवेन ऑलिवर, सुरंगा लकमल, तीनों को एक साथ टीम में रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तीनों इस मुकाबले के अंदर वापस खेलने आने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं बैटिंग के बारे में, तो अविष्का फर्नांडो ने काफी शानदार बैटिंग करी इस टीम के लिए, ऑलमोस्ट हर मुकाबले के अंदर जबरदस्त बैटिंग करते आ रहे टीम के लिए। उसके अलावा पिछले मुकाबले में जॉनसन चार्ल्स भी टीम के अंदर वापस आ गए। जॉनसन चार्ल्स से काफी शानदार प्लेयर, काफी तेज खेलते हैं, उनके अंदर टीम की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। उसका विनोद भानुका ने भी अच्छी बैटिंग करी है, विनोद भानुका काफी अच्छे कीपर बल्लेबाज है। तो जाफना की टीम के पास तीन काफी शानदार बैट्समैन हैं। ऑलराउंडर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस टीम के लिए। थिसारा परेरा ने काफी शानदार बैटिंग करी इस टीम के लिए, बैटिंग में लंबे लंबे छक्के मारते हैं। उसके अलावा थिसारा परेरा की बॉलिंग भी काफी शानदार रही है। उसके अलावा वनिंदु हसरंगा टीम के अंदर है, जो कि इस साल के हाईएस्ट विकेट टेकर है लंका प्रीमियर लीग के। उसके अलावा वो बैटिंग में भी लंबे लंबे हिटे मारते, ये दोनों जो ऑलराउंडर हैं ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं टीम के लिए। और बॉलिंग में इस मुकाबले उम्मीद करते हैं डुवेन ऑलिवर, सुरंगा लकमाल और आपके लिए शेनवारी वापस टीम आ जाएंगे। तो जाफना के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली इस मुकाबले के लिए। तो जाफना की टीम के लिए ओपन करेंगे अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका, नंबर 3 के ऊपर आपके खेलने आएंगे जॉनसन चार्ल्स, नंबर 4 पे शोएब मलिक, फिर थिसारा परेरा, वनिंदु हसरंगा, धनंजय डी सिल्वा, चतुरंगा डी सिल्वा, उस्मान खान शेनवारी, डुवेन ऑलिवर और सुरंगा लकमल। तो ये टीम होने वाली आपकी जाफना की, देखते हैं जाफना की टीम ये मुकाबले के अंदर कैसा खेलने वाला है। अब मैं आपसे बात करता हूं दांबुला वाइकिंग की टीम के बारे में, और ये टीम अब तक एक ही मुकाबला हारा इस साल के लंका प्रीमियर लीग के अंदर। और सबसे बढ़िया बात रही पिछले मुकाबले में टीम के दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने काफी शानदार बैटिंग करी, जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं थे। निरोशन डिकवाला ने काफी शानदार 60 रनों की पारी खेली। डिकवाला एक बहुत ही कमाल के बैट्समैन, अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो टीम में काफी अच्छी बात होने वाली है। उसके अलावा उपुल थरंगा ने भी जबरदस्त 77 रन मारे, थरंगा भी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर। तो ये दोनों जो बैट्समैन श्रीलंका के आते हैं, दोनों लेफ्टी हैं और ये दोनों फॉर्म में रहते हैं, तो ये टीम के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त बात रहने वाली है। बाकी टीम में समित पटेल ने काफी शानदार बैटिंग करी है, अच्छी बैटिंग करते हैं। उसके अलावा उन्हीं राइट आर्म स्पिन बॉलिंग काफी शानदार रही है टीम के लिए, और कप्तान दशुन शनका की बैटिंग भी ऑलराउंडर शानदार रही है, हर मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग करते हैं। उसके अलावा पिछले मुकाबले को बॉलिंग के अंदर भी विकेट मिला, तो ये जो 4 प्लेयर है ये बैटिंग में बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। जब समित पटेल और शनका ने बॉलिंग भी काफी शानदार करी टीम के लिए। अगर मैं आपसे बाकी बॉलिंग के बारे में बात करता हूं, तो अनवर अली की बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त रही पिछले मुकाबले के अंदर, डेथ में काफी शानदार बॉलिंग करी और 3 विकेट भी निकाले अनवर अली ने। उसके अलावा आपके लिए मलिंदा पुष्पा कुमारा ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी है, एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं वो। उसके अलावा भी इस टीम की बॉलिंग काफी शानदार के लिए एज अ यूनिट। तो दांबुला के पास ही बहुत ही स्ट्रांग टीम है, और इनके ओपनर्स फॉर्म में आने काफी जबरदस्त बात है दांबुला की टीम के लिए। तो दांबुला की टीम के लिए ओपन करेंगे निरोशन डिकवेला और उपुल तरंगा, नंबर 3 पे एंजेलो परेरा, नंबर 4 पे समित पटेल, फिर दशुन शनका, समय शेनवारी,
अनवर अली, रमेश मेंडेस, मलिंदा पुष्पकुमारा, कसुन रधिता और सुदीप त्यागी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है दांबुला के पास। जरूर से दांबुला की टीम ये मुकाबला जीता चाहेगा। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी जाफना स्टैलियंस, वो टीम होगी दांबुला वाइकिंग, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। तो एक काफी कड़ा मुकाबला होने की पूरी पूरी उम्मीद करता हूं मैं। मेरे को लगता है कि जाफना का पलड़ा भारेगा इस मुकाबले के अंदर। जाफना के जैसे बॉलर वापस टीम आ जाएंगे, जाफना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।